स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर होंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड ने शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट क्वेश्चन है द कंपनीज़ नेशनैलिटी इज़ डिसाइडेड बाय इट्स यानी कि जो कंपनी की नेशनैलिटी है कि वो किस नेशन से बिलोंग करती है वो इंडियन है या फॉरेन है या फिर वो किस कंट्री की है ये किससे डिसाइड किया जाता है उनके शेयर होल्डर्स से रजिस्टर्ड ऑफिस से या फिर उस जगह से जहाँ पर ये बुक जो अकाउंट्स हैं वो रखे गए हैं या फिर नन ऑफ दी अबॉफ फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश में है मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश में डिस्कस करो कुछ बोलते हैं हिंदी में तो क्वेश्चन इंग्लिश में है और मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं हिन्दी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हूँ तो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर पूछा है कि कंपनी की जो होती है हो, किससे डिसाइड होती है तो फ्रेंड्स ये उसकी डिसाइड होती है रजिस्टर्ड ऑफिस से कोई भी कंपनी जहां भी रजिस्टर्ड हुई होगी वो वहां की कंपनी कहलाई जाएगी तो यहाँ पर ऑप्शन टू आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टैचुटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कन्वेड यानी कि जो स्टैचुटरी मीटिंग होती है कंपनी की वो कब होती है वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी यानी कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार वंस इन सिक्स मंथ्स यानी कि छः महीने में एक बार वंस इन थ्री मंथ्स यानी कि तीन महीने में एक बार तो फ्रेंड्स जो स्टैचुटरी मीटिंग होती है वो कंपनी की जो पूरी लाइफ होती है उसमें सिर्फ एक बार होती है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ यानी कि जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो किसका मेथड है वैल्यूशन ऑफ इन्वेंटरी, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन या फिर वैल्यूइंग गुडविल तो फ्रेंड्स पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात की जाए तो ये मेथड है अमलगमेशन की अकाउंटिंग का तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे

तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये यह बात की जा रही है कि जब हम प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं शेयर उनके द्वारा सर्विस देने पर तो ये एक तरह से गुडविल का वो शोरी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर ये होगा तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे डेबिट की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पे गुडविल के अकाउंट से तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन थ्री है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये काम क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये इनको इश्यू किया जाता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनको इश्यू करके क्योंकि यहाँ पर वो उनकी हेल्प करते हैं कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करने में तो यहाँ पर इससे उनकी इंक्रीज होती है वैल्यू कंपनी की इसलिए यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में यहाँ पे शो किया जाता है उनको डेबिट करके तो ऑप्शन थ्री आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एस टू यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है वो किस से रिलेटेड है द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन या फिर डिसक्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के तो फ्रेंड्स ये पार्ट होता है हमारा डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का पर्पस होता है जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड डिस्कलोजर हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सके सबके साथ तो डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो है उसका ये पर्पज बताती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ़ दॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेन्जेंट लाइबिलिटी यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि कंटेजेंट लाइबिलिटी का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है लाइबिलिटी इंडर गारंटी इंटरम डिबिडेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसकाउंटेड या फिर नन ऑफ दी अप तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा कंटेजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो इंटरम डिबिडेंट हमारा कंटेन्जेंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है तो ऑप्शन टू यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन यानी कि जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट की इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट जो होते हैं वो कैलकुलेट की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंडर परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग द ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इट्स बुक्स यानी कि जो परचेज uh, मेथड जो है अकाउंटिंग का उसमें ट्रांसफरी कंपनी जो होता है वो इनकॉर्पोरेट करता है उसकी बुक्स में क्या द असेट्स लाइब्रिटीज एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी या फिर दाइबलिटी एंड स्टेचुरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी द असेट्स लाइबिलिटीज एंड स्ट्रेचरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी या फिर द द एंड ऑफ ट्रांसफर कंपनी तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो परचेज मैथड ऑफ अकाउंटिंग है उसके तहत अगर हम बात करें ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स अपनी बुक्स में क्या शो करता है तो वो अपनी बुक्स में शो करता है असट्स को लाइबिलिटीज को जो भी उसके स्ट्रेचुचरी रिजर्व होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के उसको वो दिखाता है तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा

इशू किए गए हैं शेयर उसकी प्रोसीडिंग से भी आउट ऑफ प्रॉफिट से भी या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन फोर है वो राइट आंसर होगा क्योंकि ये थर्ड मेथड uh, दे रखे हैं इनसे हम अपने शेयर को रिडीम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेन टू आर मोर कंपनीज लिक्विडेट टू फॉर्म अंपनी इट इज कॉल्ड यानी कि जब दो या दो से अधिक कंपनी लिक्विडेट होती हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं अमलगमेशन, अब्सोप्शन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर पचेज ऑफ़ बिज़नेस। तो फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई फौर, कंपनी फॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में है एसपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। परचेस -well कंस्टिड्रेशन जो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन से उसमें वॉट इज पेवल टू यानी इसका क्या मतलब होता है यानी कि किसको पे किया जाता है डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फोर्टीन वो हमारा किससे रिलेटेड है तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन में परचेज कंस्टिट्यूशन बताया गया है वो बताया गया है शेयर होल्डर्स के लिए तो ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं On is paid, कि जो ओरिजिनल पर है उससे टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट रेस्पेक्ट ऑफ हिस्स एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी कि जो सिक्योरिटी का होल्डर है जो उसकी ड्यू डेट होगी उस पर जो एक्चुअल पीरियड में जो होल्डिंग होगी जिसकी उसके द्वारा या फिर टू दी होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट इज रेस्पेक्ट ऑफ इस एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग में जो उसका होगा, का, उस ड्यू डेट तो फ्रेंड्स तो, पेड की जाती है होल्डर को जो भी सिक्योरिटी का होल्डर होगा ड्यू डेट पर इ रेस्पेक्टिव ऑफ इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग ठीक है तो यहाँ पर जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू फ्रेंड्स यहाँ पे इेस्पेक्टिव ir, है इर रेस्पेक्टिव ठीक है रेस्पेक्टिव की जगह इर रेस्पेक्टिव है तो यहाँ पे ऑप्शन टू आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बताया गया है कि एंड रिड्यूस वर्ल्ड आर टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट एस पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ यानी कि जो एंड वर्ल्ड यूज है वो हम किसके अकॉर्डिंग शो करते हैं बैलेंस शीट में कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या फिर सेवी के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें एंड रिड्यूस वर्ल्ड की ये शो किया जाता है बैलेंस शीट में तो फ्रेंड्स ये शो किया जाता है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

ऑल ऑफ दी अब तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले डायरेक्टर रिपोर्ट एनुअल जर्नल मीटिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और, और बैलेंस शीट है ये सब कुछ हमारा पहले ही सबमिट हो जाना चाहिए जिससे कि इसके बाद एनुअल जर्नल मीटिंग में इनके ऊपर डिस्कशन किया जा सके तो फ्रेंड्स ये तीनों ही चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसलिए ऑप्शन फोर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दिस इज नोन एज यानी कि जब हम एक या दो कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है कंपनी का तो क्या कहलाता है एब्जॉर्बन अमलगमेशन, मर्जर या फिर न्यू फॉर्मेशन तो फ्रेंड्स अमलगमेशन में क्या होता है दो या दो से कंपनियाँ मिल जाती हैं और वो न्यू फॉर्म करती हैं मर्जर में दो कंपनियाँ मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक की एंटिटी बनी रहती है तो यहाँ पर क्या होता है ये ना हमारा ऑप्शन ये सही है ना ये सही है और न्यू फॉर्मेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा सही होगा उसको हम एब्जॉपन कहते हैं जब दो या दो से अधिक कंपनियाँ लिक्विडेट हो जाती हैं और कोई भी कंपनी न्यू फॉर्म नहीं होती है मतलब कंपनी ही फॉर्म नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है हमारा वो जनरली कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है रिटेन अर्निंग से जर्नल प्रॉफिट कंसोलिडेटेड रिवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व तो यानी फ्रेंड्स जो इंटरनल uh, रिकन्स्ट्रक्शन होता है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है तो फ्रेंड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा वो किया जाता है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ गिविन नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत होगा ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पर आप ऑप्शन एक लिख ली लीजिएगास uh, करके लिख लीजिएगा ठीक है यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका नन ऑफ क्योंकि ये ऑप्शन ये सारे ही ऐसे हैं जो कि इसके लिए फिट नहीं है तो यहाँ पे uh, लिख लीजिएगा नन ऑफ दी हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है और ये एक इस तरह का क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मार्क्स मिलता है तो इसका जो आंसर होगा आंसर इसका वैसे होगा एकटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस सेट्स जो होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन गिव होगा नन ऑफ दी दबव तो वहाँ पे आपको उसको टिक करना है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

न भी हैं वो हमारे रिडीम हो सकते हैं इफ़ दे आर पेड नॉट लेस देल वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसकी फिफ्टीन परसेंट से uh, कम नहीं होंगे पेड तब वो रिडीम किए जा सकते हैं या फिर ओनली इफ दे आर फुली पेड यानी कि जब वो फुली पेड होंगे या फिर इफ दे आर पार्टली पेड यानी कि अगर वो पार्टली पेड होंगे या फिर ओनली इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम या फिर अगर वो इश्यू होंगे प्रीमियम पे तभी वो रिडीम किए जा सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन टू किसी भी शेयर को हम तभी प्रिफ्रेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे अगर वो पार्टली पेड है तो वो हम उसको नहीं कर सकते अगर वो फुल्ली पेड है तभी उसको रिडीम किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ़ दॉलोइंग कंडीशन हैल इन एडवास यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉल इन एडवांस को रिसीव करते हैं कर सकते हैं इट शुड भी ऑथोराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ़ दंपनी यानी कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथोराइज होगा तब कर सकते हैं या फिर इट शुड भी ऑथोराइज बायरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के ऑर्डनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए तभी हम कॉल इन एडवांस रिसीव कर सकते हैं या फिर इट शुड भी अप्रूव द कंपनी लॉ बोर्ड या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो अप्रूव करे तभी हम कर सकते हैं या फिर इट शुड बी भी बाय द आर्टिकल्स यानी कि जो आर्टिकल्स है हमारे कंपनी आर्टिकल्स वो हमें ऑथोराइज करें तभी हम इनको कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं तो फ्रेंड्स कॉल इन एडवांस के लिए कंडीशन होती है ये हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स इसको ऑथोराइज करें तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यानी कि अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कॉल इन एरियर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेडअप कैपिटल यानी कि जो कॉल इन एरियर जो होता है वो हमारा पेडअप का पार्ट नहीं होता है प्रिफरेंट शेयर होल्डर गेट डिविडेंट एट फ्लैक्सिबल रेट यानी कि जो प्रिफ्रेंट शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्लैक्सिबल रेट पर डिविडेंट रिसीव करते हैं या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है या फिर नन ऑफ दी अब तो फ्रेंड्स कॉल इन एरियर पेडक का पार्ट होता है ये सही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है ये भी सही है तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है एक ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा जो राइट right ऑप्शन है वो है हमारा टू क्योंकि फ्रेंड्स शेयर शेयर होल्डर्स होल्डर्स फ्लेक्सिबल रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं क्योंकि को जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे दिया जाता है तो यहाँ पर ये फ्लैक्सिबल रेट नहीं होगा तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा ये इनकरेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है ट्रांसफर कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बोथ ए एंड बी यानी या नन ऑफ दी अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीली ट्रांसफरेबल की तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली ट्रांसफर कर किया जा सकता है लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन टू करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस यानी कि फ्रेंड्स जो शेयर्स हैं हमारे उनको हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे कमेंसमेंट के कितने साल बाद वन वन एंड हाफ टू टू एंड हाफ तो ऐसे कितने साल हैं कमेंसमेंट से कम्प्लीट होने पर हम अपने शेयर को कर सकते हैं डिस्काउंट पे तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर है कमेंसमेंट होने के एक साल के बाद हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ आइटम्स कैन नॉट बी शोन एज रिजर्व यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम एज अ रिजर्व शो नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडेमशन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर नन ऑफ दी तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कि हम ऐसा रिजर्व को शो नहीं कर सकते आइटम को एज अ रिजर्व तो फ्रेंड्स पे इसका राइट आंसर होगा डी नन ऑफ दी अब क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व की तरह शो किया जाता है कैपिटल रिडेमशन रिजर्व भी एक रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व होता है क्योंकि फ्रेंड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब कोई भी शेयर सिक्योरिटीज uh, प्रीमियम वो कोई भी शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको शो किया जाता है तो ये भी एक तरह का रिजर्व है तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इफ़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिड एप्लीकेशन मनी शुड भी रिफंडेड विद इन नाउ मैनी डेज फ्रेंड्स अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन मनी है अगर वो रिसीव नहीं हुई है तो हमें अब कितने दिन के अंदर अपने पैसों को रिफंड कर देना है सेवन डेज टेन डेज फिफ्टीन डेज या थर्टीन डेज तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे 10 आपको 10 के अंदर वो सारे मनी जो भी आपके पास आई है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको टेन डेज के अंदर वो सारे मनी को रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट है वेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिड इज क्रेडिटेड विद डे जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर के साथ करना है और किस अकाउंट के साथ फिल करना है तो ऑप्शन है कॉन्सिल एनअर्स ऑफ शेयर फॉरफिच अमाउंट यहाँ पर आएगा या फिर अमाउंट रिसिव ऑन शेयर फॉरफिटेड सेकेंड है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर अमाउंट रिसिव ऑन शेयर फॉरफिटेड थर्ड uh, ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉर या फिर कॉलिसन एरियर ऑफ शेयर फॉर थर्ड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफ्यूचर या फिर कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफ्यूचर तो ये इनके ऑप्शन हैं तो फ्रेंड्स अगर हम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन टू क्योंकि फ्रेंड्स पे जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो हम कैपिटल करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से यानी कि वो शेयर जो भी हमने फॉरफ्यूचर किए हैं उस पर हमने कितनी कॉल्ड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल हमने मांग ली है वो अमाउंट यहाँ आएगा और क्रेडिट करेंगे उस पर हमारे कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है वो उंट यहाँ आएगा तो यहां पे 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 हमारा जो है वो यहां पे correct है वो आते हैं कि ऐसा कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रोपोज डिविडेंड तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी तरह के reserves, हमारी शेयर कैपिटल है, 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 है। तो आइटम नहीं इंक्लूड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वॉट इज द एक्सेस ऑफ नेट कंसिडरेशन पेड इस असेट्स एक्सेस में है ओवर कंसिडरेशन पेड यानी कि जो कंसिडरेशन हमने पेड किया है तो उसको क्या बोलते हैं क्या टर्म वाई हम यूज करते हैं ऑप्शन है हमारे कैपिटल रिजर्व रिजर्व कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर गुडविल तो फ्रेंड्स जब भी हमारे नेट असेट्स की जो अमाउंट uh, है वो एक्सेस में है कंसिडरेशन पेड करने से तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमाउंट uh, जो uh, यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैपिटल रिजर्व यानी कि वो टर्म जो भी हमने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पेड किया है उसके एक्सेस में अगर हमारे पास नेट असेट्स बचता है तो इट मीन्स वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट है ठीक है हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है सॉरी uh, कितनी कंपनीज हैं वन टू थ्री अनलिमिटेड यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको कितनी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा मतलब कितनी कंपनियों के साथ उसको ये प्रोसेस करनी होगी तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस वन कंपनी के साथ हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की इंटरनल में क्या है उसको खुद की जो स्ट्रक्चर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है उसमें उसको चेंजेस करने पड़ेंगे तो यहाँ पे उसको किसी अदर कंपनी की जरूरत नहीं है वो अपने आप में ही अपने अकाउंट्स को अपने असेट्स लाइबिलिटीज को मैनेज कर सकती है नेक्स्ट और... क्वेश्चन आता है नो कंपनी कैन बाय इट्स इक्विटी शेयर इफ यानी कोई भी कंपनी बाई बैक नहीं कर सकती है, अपने इक्विटी शेयर यदि पार्टली अप शेयर हो पार्टली पेड अप शेयर हो डिफॉल्टिंग कंपनी हो या फिर ऑल ऑफ तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं करेगी अपने शेयर यदि वो पार्टली पेड होंगे पार्टली पेड कॉल्ड शेयर होंगे वो पार्टली पेड शेयर होंगे डिफॉल्टिंग कंपनी होगी तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज अगर ये सारी सिचुएशन होंगी तो कोई भी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती अपने शेयर को उसको फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्रेट रिजर्व्स में भी क्रिएटेड बाई यानी कि सीक्रेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है अंडर वैल्यूशन ऑफ लाइबिलिटीज ओनली अंडर वैल्यूशन ऑफ असेट्स ओनली ओवर वैल्यूशन ऑफ असेट्स ओनली या फिर ओवर वैल्यूशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूशन ऑफ असेट्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है डी ऑप्शन क्योंकि कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकती है जब उसका ओवर uh, वैल्यूएशन होगा लाइबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन होगा असेट्स का ठीक है आ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ कंपनी कैन बाय बैक एक कंपनी बाय बैक कर सकती है

Uh, इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी आई बी आर डी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट नेम है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएफसी का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एडी होता है uh, यहाँ पर ए का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी चीजें थी लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी आई बी आर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द वर्ल्ड बैंक इस फॉर्म्ड एज यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो फॉर्म्ड होता है आई की कौन सी किस बॉडी से सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाती है कॉम्प्लीमेंट्री लीगल या नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक दोनों फॉर्म हुए तो ये एक दूसरे की सप्लीमेंट्री बॉडी कहे जाते हैं तो इसका राइट right आंसर है ए सप्लीमेंट्री बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था जून नाइनटीन फिफ्टी जून 1946, जुलाई 1944 या अगस्त 1950 तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था जून 1946 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है क्या इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं असिस्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर कंट्री यानी कि मेंबर कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन के, के लिए असिस्टेंट देना या फिर सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स ओन लोन्स एंड फाइनेंसेज यानी कि सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आ, लोन और फाइनेंस के द्वारा देना या फिर शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री यानी कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंस देना मेंबर कंट्रीज को या फिर एनकरेज लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जो लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल को ट्रेड है उसको एनकरेज करना लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ करने के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है वर्ल्ड बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म असिस्टेंस मेमर कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करती है ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई एम एफ कमेंड ऑपरेशन इन वाशिंगटन ऑन यानी कि जो आई एम एफ है उसने अपना ऑपरेशन वॉशिंगटन में कब स्टार्ट किया था 1st march 1947 1st march 1948 15th march 1960 या फिर 15th march 1980 तो फ्रेंड्स आईएमएफ ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था 1st march 1947 को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ कंट्री लिविंग द मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ कैन कंटिन्यू इट्स मेंबरशिप विद वर्ल्ड बैंक इफ मेंबर्स ऑफ बैंक गिव देयर वोट्स इन इट्स फेवर ठीक है तो हमें बताना है कि ऐसे कितने परसेंट वोटिंग जरूरी है उनके फेवर में देने के लिए कि अगर वो आईएमएफ से अपनी मेंबरशिप हटा रहे हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक में अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सिक्सटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी सेवन परसेंट या सेवेंटी नाइन परसेंट तो फ्रेंड्स उन लोगों को सेवेंटी फाइव परसेंट वोटिंग चाहिए तभी वो अपने ऑपरेशन वर्ल्ड बैंक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो आईएमएफ एम की अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एनी मेंबर कैन बी डिबेयर्ड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इफ़ यानी कि कोई भी मेंबर member, मेंबरशिप uh, से हट सकता है खुद से अगर वो वर्ल्ड बैंक की यदि उसको ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बाद अगर वो उन कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं तो वो वहाँ से वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से हट सकता है इट गिव्स रिटर्न नोटिस टू द बैंक उसको बैंक को रिटर्न नोटिस देना होगा या या फिर फिर यानी यानी कि कि अगर अगर वो की की के अगेंस्ट काम करे जो है उसको क्विट करे या फिर ऑल ऑफ अबव तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटन नोटिस देगा तब भी वो माना जाएगा अगेंस्ट काम करेगा तब भी माना जाएगा लेकिन यहाँ पे ये यह ऑप्शन जो है थर्ड ये यह यहाँ पे इन्होंने अधूरा दे रखा है यहाँ पे दे रखा है कि इट ठीक है तो यहाँ पे अगर ये भी लिखा होता कि उसको सेवेंटी फाइव परसेंट वोटिंग राइट नहीं मिल रही है तब लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम फॉलो कर, 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 जो करेंगे वो ऑप्शन डी करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं तो हम थर्ड को भी करेक्ट ही मानेंगे इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है Friends, एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव वे बताना है हमें का जिसमे हम वर्क रिलेटेड बिहेवियर और जो इम्प्लॉयज का पोटेंशियल है उसको हम इवेलुएट कर पाए ऑप्शन है हमारे उसको हम इवेलुएशन बोलेंगे पोटेंशियल अप्रेजल बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें एवेलुएशन की तो फ्रेंड्स यहाँ पे इवेल्युएशन ये कोई पर्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक वर्ल्ड नहीं है फिक्स वर्ल्ड नहीं है जो कि इसमें फिट बैठे तो यहाँ पे इवेल्यूशन गलत रहेगा अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल अप्रेजल की तो सिर्फ यहाँ पे हम पोटेंशियल को जज कर पाएंगे वहाँ पे हम उसके बिहेवियर क्या है वर्क को लेके उसको जज नहीं कर पाएंगे तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारा जो इसमें जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल वो कॉन्सेप्ट होता है वो एक इवेल्यूशन सिस्टम है जिसके अंदर एम्प्लॉय की ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट किया जाता है कि वो किस तरह का बिहेवियर है किस तरह का, का काम कर रहा है उसके स्टैंडर्ड से उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आ, कंपेयर किया जाता है उसके बाद ये पूरी परफॉर्मेंस उसकी निकाली जाती है कि वो किस तरह से आगे वर्क कर रहा है उसी हिसाब से उसका आगे प्लेसमेंट किया जाता है वो सॉरी प्रमोशन किया जाता है या फिर उसको डिमोशन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ मेथड रिक्वायरिंग द रिटर्न टू सेलेक्ट दोस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट इन ईच पेयर ऑफ स्टेटमेंट अवॉर्ड द इम्प्लॉय रेटेड इज कॉल्ड यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा मैथड जो कि जरूरत है एक रेटर को आ, किसी भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें वो एक पेयर बनाए और साथ में ही एक, एक एम्प्लॉय उसको रेट करे तो इस ये सारी चीज़ें हम किस मैथड के अंदर देखते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर फोर्थ चॉइस मैथड के अंदर एस इजी वैल्यूएशन मेथड के अंदर या फिर नन ऑफ दी अबब तो फ्रेंड्स अगर हम एक ऐसे मेथड की बात करें जिसके अंदर एक रेटर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट बनाता है और साथ में ही वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको रेट भी करता है खुद रेट होते हैं उसमें तो फ्रेंड्स वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फोर्थ चॉइस मैथड फोर्थ चॉइस मैथड के अंदर ये सारी चीज़ें ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लिस्टिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्ड्स यानी कि फ्रेंड्स एक एम्प्लॉय को लिस्ट करना बेस्ट से वर्ड्स की तरफ वो हमारा क्या कहलाता है कंपैरिजन रैंकिंग रेटिंग या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय को हम रेट कर रहे हैं बेस्ट से वर्क के बीच में तो वो कहलाते हैं हमारी रैंकिंग हम रैंकिंग देते हैं उसे कि बेस्ट एम्प्लॉय ये है इस साल का या फिर वर्ड्स ये है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम रैंक उनको देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज यानी कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का जो बेसिस है वो क्या है मैनेजर हैं इम्प्लॉयज है कंपेंसेशन प्लान्स हैं या फिर नन ऑफ दीज है तो फ्रेंड्स अगर हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस की बात करें तो वो यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर आएगा वो आएगा इम्प्लॉयज़ क्योंकि इंप्लाईज को ही परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रिपेयर की जाएगी कि इसकी इतनी परफॉर्मेंस है और उसको इतना टारगेट अचीव करना है ये इसकी ड्यूटी है ये इसकी जॉब है जिसको इसको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे एम्प्लॉ जो होगा वो बेसिस होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक यानी कि इसमें हमें बतानी है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक है वो कौन सी है एम है जिसको हम मैनेजमेंट बाय बोलते हैं रेटिंग है फील्ड रिव्यू मेथड है या फिर नन ऑफ दीज है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल सिस्टम की तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारी टेक्निक आती है वो है हमारी एम जो कि होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा चीजों को मैनेज किया जाता है नेक्स्ट आता है आ डिसएडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल इज यानी कि हम जो रेटिंग स्केल निकालते हैं उसमें क्या डिसएडवांटेज है कॉस्ट का टाइम इन्वॉल्व का रेटिंग में भी सब्जेक्टिव का या फिर नन ऑफ दीज का तो फ्रेंड्स रेटिंग स्केल में जो सबसे बड़ी जो हमारे पास डिसएडवांटेज आती है वो ये है कि रेटिंग में भी सब्जेक्टिव यानी कि रेटिंग जो होती है ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम इन्वॉल्व रेटिंग स्केल में टाइम बहुत कम लगता है कॉस्ट भी कम लगती है तो ये हमारी डिसएडवांटेज ना हो के हमारी एडवांटेज होती है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द लीस्ट स्टेबल टू पर्सनल बाइस यानी कि इसमें से कौन सी टेक्निक है जो कि पर्सनल बाइस पे सबसे लीस्ट और स्टेबल है

लीस सब्सेप्टेबल है जो हमारे पर्सनल बाइस को तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी ये बिहेवियरली एंकर्ड होती है रेटिंग स्केल पर यानी कि रेटिंग स्केल हम जैसा प्रिपेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पर्सनल बाइस भी हो जाते हैं कि हमें इतने से इतने मार्क्स देने हैं या फिर हमें जो एवरेज है उनको ज्यादा कम मार्क्स नहीं देने हैं तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे पर्सनल बाइसनेस आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यानी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो ऐसे सर्व करती है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह किसके रिक्रूटिंग में करियर प्लानिंग में मैन पावर प्लानिंग में या फिर जॉब एनालिसिस में तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है तो वो होता है हमारा करियर प्लानिंग में करियर प्लानिंग प्लानिंग हमारा उसी पे करियर प्लानिंग के बेसिस पर हम अप्रेज करते हैं कि करियर उसका हमें किस तरह से प्लान करना है क्या होगी उसकी जॉब किस तरह से होगा उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेज की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द अप्रेजल प्रोसेस इज डिजाइन बाय जो अप्रेजल प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा डिजाइन की जाती है पर्सनल डिपार्टमेंट के पर्सोनल डिपार्टमेंट के द्वारा वर्कशॉप के द्वारा फैक्ट्री के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा तो फ्रेंड्स पर्सनल जो अप्रेजल प्रोसेस जो होती है वो हमारे डिजाइन की जाती है पर्सोनल डिपार्टमेंट के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ जॉब एनालिसिस कवर्स यानी कि जॉब एनालिसिस का जो रोल होता है वो क्या कवर करता है हेल्थ को डिसिप्लिन को सेफ्टी को या फिर ऑल ऑफ दिस को तो फ्रेंड्स ये हमारा जो जॉब uh, एनालिसिस का जो रोल होता है ये इन सभी चीज़ों को uh, कवर करता है कि हेल्थ क्या है डिसिप्लिन किस तरह से होना है सेफ्टी क्या क्या प्रोवाइड करनी है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस कंसेप्ट यानी कि जो एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये ऑर्गेनाइजेशन का है स्ट्रक्चर पॉलिसी एंड एफिशिएंसी देखते हैं मोटिवेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन साइज गोल्स इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फिजिकल कंडीशन वर्क देखी जाती है या फिर ऑल ऑफ दी अबव है इसका राइट right आंसर तो फ्रेंड्स बताना है हमें इसमें इसका राइट right आंसर क्या है अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी क्योंकि फ्रेंड्स एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट हो जाता है इसमें मोटिवेशन और उसके खुद के गोल्स भी देखे जाते हैं फिजिकल वर्किंग कंडीशन देखी जाती है उनकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चरल पॉलिसीज एंड एफिशिएंसी देखी जाती है कि उसकी क्या एफिशिएंसी है किस तरह से उसको जॉब देनी है तो जॉब परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ों को इवेलिट किया जाता है नेक्स्ट है जॉब्स आर लिंक बिटवीन एंड यानी कि जॉब जो है वो लिंक हो लिंक की तरह काम करती है एक पीपल और किसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सुपरवाइजर के बीच में मैनेजर के बीच में या फिर नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स जॉब एक लिंक का काम करती है लोग और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्योंकि एक पर्सन जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो किसके थ्रू जुड़ता है वो जुड़ता है जॉब के थ्रू तो एक जॉब एक ऐसा काम है जो एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ती है जिसके बाद उनके वहाँ पर रिलेशन चेंज हो जाते हैं वो पर्सन वहाँ पे एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी कंपनी और वहाँ का जो हैड होता है वो उसका एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाता है क्वेश्चन है कंपनी कैन नॉट इशू एक कंपनी जो है वो क्या इशू नहीं कर सकती रेडीमेबल इक्विटी शेयर्स रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडिमेबल रिवेंचर्स या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए जो की है रिडिमेबल इक्विटी शेयर्स एक कंपनी रिडिमेबल इक्विटी शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है नेक्स्ट है द वैल्यू द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ अब जो शेयर uh, की जो फेयर uh, वैल्यू है वो किसका एवरेज होती है पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का इंटेंसिक और पार वैल्यू का इंटरेन्सिक वैल्यू और ईल्ड वैल्यू या फिर पार वैल्यू एंड इंड वैल्यू की तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू की कि उसका किसका एवरेज होती है तो ये होती है इंटेंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज जो कि हमें बताता है किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू को तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा इंटेंसिक वैल्यू एंड इंड वैल्यू नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पर्पस द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना इंक्रीज और डिक्रीज इन असिट्स देखना इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज देखना या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ये हमें बताता है फाइनल अकाउंट तो यहाँ पर ये यह ऑप्शन कट जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट ये यह भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा और ना ही असेट्स को देखना लाइबिलिटीज़ को देखना यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी जो कि है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉकिंग कैपिटल इसमें वॉकिंग कैपिटल देखी जाती है यानी कि दो वॉक बैलेंस शीट की वॉकिंग कैपिटल को आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाता है यानी कि दो बैलेंस शीट ली जाती हैं ठीक है एक स्टार्टिंग की और एक एंड की यानी कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग दो बैलेंस शीट देखी जाती हैं टू ईयर की फिर वहां पे उन दोनों की वर्किंग कैपिटल को आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिवरेज रेशो अब आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशो हमारा क्या इंडिकेट करता है डेट इक्विटी रेशो को करेंट रेशो ऑपरेटिंग रेशो या फिर इन्वेंट्री रेशो को तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रेशो वो सॉरी लिवरेज रेशो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी रेशो को बताता है और डेट इक्विटी रेशो हमारा किस लिए काम आता है ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती है या लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसमें हेल्प करता है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डेट इक्विटी रेशो इज सॉल्वेंसी रेशो यानी कि डेट इक्विटी जो है क्या वो सॉल्वेंसी रेशो कहा जाता है आरओआई ओ आई मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी लो गेयरिंग इज प्रिफरेबल टू हाई गेयरिंग या फिर ऑल ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डेट रेशो को हम सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं और इसलिए कहा भी जाता है कि सॉल्वेंसी रेशो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको मेजर करने के काम आता है आर मेजर करता है हमारे यानी कि आर की फुल फॉर्म क्या होती है आ, यहाँ पर आपको इसको बताना है ठीक है कॉमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तब आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा क्योंकि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है फिर आता है यहाँ पर लो गेयरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गेयरिंग जो हमारा गेयरिंग रेशो होता है वो लो हमारे लिए बेटर माना जाता है इसलिए ऑप्शन डी पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय अब जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी वो किससे इंडिकेटेड होते हैं देखो ऊपर जो हमने ऑप्शन पढ़े थे आप उसी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं देखिए ऑप्शन में है रेट ऑफ रिटर्न लिक्विड रेशो इक्विटी रेशो और कैपिटल गेयरिंग रेशो तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है यानी कि डेट इक्विटी रेशियो जिसको सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आर वाई रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर दी फॉलोइंग अब आर रेशियो जो होता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हेल्प करता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ बिजनेस या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विड पोजिशन ऑफ बिजनेस या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड सोल्ड एंड इन्वेंट्री लेवल तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस की जो नेट असेट्स होती है उसकी अर्निंग पावर को चेक करने के काम आता है हमारा आर ओवाई रेशियो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंट्स पोटेंशियल यूज ऑफ वॉकिंग कैपिटल अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि वॉकिंग कैपिटल के यूज में आते हैं उनके पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करते हैं फिर नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन या फिर डिक्लेरेशन ऑफ शेयर डिबिडेंट तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ दॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम दॉकिंग कैपिटल अब इसमें से कौन सा नॉर्मली पेड नहीं होता हमारा वॉकिंग कैपिटल से पेमेंट ऑफ वेजेस पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से बात की जा रही है तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये हमारा वर्किंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता है ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

कुड बिल तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी परचेज ऑफ फर्नीचर ये हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है क्योंकि देखिए हम अगर हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो हम इसका पेमेंट करेंगे और पेमेंट करेंगे तो जो फंड है उसका फ्लो होगा यानी कि फंड जाएगा हमारे पास से इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स ऑप्शंस देखिए परचेज ऑफ मशीनरी प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इश्यू ऑफ शेयर या फिर लॉकडाउन रेस्ड लोन रेस्ड अब देखिए यहाँ पर फंड्स की बात करें कि कौन सा फ़ंड यहाँ पे नहीं है फंड सोर्सेज नहीं है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाए परचेज ऑफ मशीनरी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है जबकि प्रॉफिट अर्नड भी हमारा सोर्स बता रहा है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से भी अगेन हमारे पास फंड आएगा और लॉन्ग टर्म लोन रेस करने से भी फंड आएगा इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू अब कैश जो हमें ऑपरेशन से मिलता है वो किसके बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज थर्ड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट असीट्स डी ऑप्शन है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ऑपरेशन से कैश मिल रहा है तो हमें बताना होगा वो किसके बराबर होगा इक्वल टू तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेट प्रॉफिट प्लस जब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ डिक्रीज इन करंट असीट्स करेंगे तब ये हमारा इक्वल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यानी कि अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं हम डूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है डबल अकाउंटेंस सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर नन ऑफ तीस तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑप्शन बी राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द बैलेंस शीट द इनकम स्टेटमेंट

करंट असेट्स फिक्स असेट फिक्स टी असेट्स एंड कंटेंजेंट असेट्स या फिर ऑल ऑफ दिस अगेन ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन है हमारे असेट्स के नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स नोन एज अब जो फिक्टिशियस असेट्स हैं वो क्या असेट्स वो क्या कहलाते हैं करंट करंट्स को बोलते हैं डेफर्ट एक्सपेंडिचर क्लोडिंग एक्सपेंडिचर या फिर फ्लोटिंग एक्सपेंडिचर को तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें फिक्टीसीट्स की तो राइट right आंसर होगा डेफर्ट एक्सपेंडिचर जिसको हम फिफ्टीसीट्स भी कहते हैं ऑप्शन भी राइट right है नेक्स्ट है कंसिस्ट फिफ्टीसीट्स कंसेस्ट फिक्टीसीट्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है प्रीमिल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डैबिट बैलेंस ऑफ पे एंटल अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दीज तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो की है ऑल ऑफ दीज ये सारी चीज़ें हमारे फिकसट्स का पार्ट होती हैं तो ये तो ये थे हमारे क्वेश्चंस होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स यहाँ शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय